नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो विशेष तौर पर क्लास 12th के छात्रों के लिए है। जो छात्र क्लास 12th में अध्ययनरत हैं या जो इस वर्ष एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से प्ले लिस्ट लेकर आ रहा हूँ। आप कौन सी प्ले लिस्ट ले रहा हूँ, इस प्ले लिस्ट में आपको किस में विषय वस्तु पर मैं बात करूंगा, तो क्योंकि जब छात्र क्लास 12th में होते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे विचार चलते हैं कि हम आखिर करें क्या, कौन सी डिग्री करें, कौन सा कोर्स करें, डिप्लोमा करें, हम करें तो करें क्या। कई छात्रों को तो क्लास 12th करने के बाद उन्हें खुद जानकारी नहीं होती हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए, तो जब वो क्लास 12th कर लेते हैं तो उनके माइंड में प्रश्न उठने लगते हैं, हमें इस डिग्री की करने से किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, क्योंकि अधिकांशता व्यक्ति डिग्री इसलिए करता है, कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी करता है तो इसीलिए करता है कि हमें किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, हमें कौन सी डिग्री किस विषय से कर सकती है, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, तो पीजीडीसीए, डीसीए, डीएलएड हमें क्या करना चाहिए, और इस डिग्री की करने से हमारा हमारे फ्यूचर में हमारे कौन कौन सी क्षेत्र वैकेंसी मिल सकती है, हमें वर्तमान में कौन सी डिग्री की डिमांड है, हमें क्या करना चाहिए, हम किस सब्जेक्ट होने पर कौन सी डिग्री कर सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं, इन सभी पर मैं विशेष प्ले लिस्ट लेकर आ रहा हूं, जिस प्ले लिस्ट में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्या है, इनका तुलनात्मक अध्ययन और प्रत्येक डिग्री का सब प्रयासरत रहूंगा कि सभी डिग्री अधिकांश अधिक अधिकांश डिग्री की मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले मैं बीए बीएससी जो अधिकांश बच्चे करते हैं उन डिग्री की जानकारी दूंगा, क्या कितने वर्ष का कोर्स होता है, इस डिग्री के करने से आपका आपके किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किस किन किन सब्जेक्ट से डिग्री कर सकते हो, इस सभी पर मैं विधिवत जानकारी दूंगा, जिसके लिए मैं प्ले लिस्ट लेकर आ रहा हूँ। हर माह तारीख 11/26 को, हर माह तारीख 11/26 को शाम 7 बजे, इसलिए उस प्ले लिस्ट में जो मैं जानकारी दूं वीडियो में, यदि आप 11th में हैं तो उस प्ले लिस्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप भी क्लास 12th में पहुंचेंगे, यदि अभी पहुंचे नहीं है, और जब पहुंचेंगे तो आप उस समय आपको जानकारी होगी कि बीए करने से हमें किस क्षेत्र में जो सर्विस मिलेगी, बीएससी करने से हमें कौन क्षेत्र मिलेगा, बीकॉम करने से हम कहाँ का सर्विस कर सकते हैं, कितने वर्ष का कोर्स होता है, इसके करने से क्या प्रॉफिट होता है, हमें प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, इसकी फुल डिटेल के लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा और विधिवत उसको बताऊंगा, तो इसके लिए आप वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्लेलिस्ट बना रहा हूं। मैं इस माह 3 प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं। पहली प्लेलिस्ट विशेष तौर पर छात्रों के लिए, उस प्लेलिस्ट में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जानकारी दी जाएगी कि डिग्री डिप्लोमा करने से क्या होता है। दूसरी प्लेलिस्ट में लेकर आ रहा हूं बर्ड फुल फॉर्म, जिसमें हर माह तारीख 23, हर माह तारीख जिस माह में जिस प्लेलिस्ट में हमें हर माह तारीख 8/23 को बर्ड के फुल फॉर्म दूंगा, इसकी हिंदी जानकारी दूंगा, विधिवत उसे समझाऊंगा। इसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट में लेकर आ रहा हूं हर माह की तारीख 11/26 को, जो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपकी डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा की जानकारी। इसके बाद मैं थर्ड प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं, वह है भारतीय जाति। भारत में बहुत सारी जातियां इनके इतिहास के बारे में, जैसे हिंदू, हिंदुओं में यादव, लोहार, विश्वकर्मा, यहरवार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सोनी, सभी जाति पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस प्ले लिस्ट को भी देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।